हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, क्लियर है। गुड मॉर्निंग रंजीत, हेलो नॉरिन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, वीडियो विजिबल, ऑडियो ऑडिबल। रंजीत, एक्चुअली मैं मेडिकल लीव पर थी। ओके, चलिए, बढ़िया, थैंक यू गाइस। सेशन को स्टार्ट करें तो देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी इसका शेड्यूल दे रखा है। हमारा आज का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये आपका मार्च टू अगस्त तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जितनी भी होलसम न्यूज़ है, हम सबको कवर करेंगे, हम सबको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको कंप्लीट रिविज़न कराऊंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद आज क्लास हो रही है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये आपके पास शेड्यूल है, यहाँ से आप इसको प्रॉपर देख लीजिएगा किस दिन कौन सी क्लास होगी। आज 2 सितंबर है, आज हमारी क्लास नंबर 1 है और हमारा आज का टॉपिक है अवार्ड एंड ऑनर्स। जाने से पहले भी मैंने आपको Feb-July रिविज़न कराया था, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि March-July तो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। बिल्कुल है, ये SBI PO, IBPS PO, RRB PO, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, ये आप कोई भी एग्जाम जहां भी करंट अफेयर्स आता है, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए है। मार्च टू अगस्त मैं आपको कंप्लीट कवर करवाऊंगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं अच्छी हूँ, कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये न्यूज याद होगी, मैंने आपको पहले भी कवर करवाई है, और अपनी पहली न्यूज देखते हैं। Who among the following has won Commonwealth Point of Light Awards? ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए मुझे ये बताइए, Commonwealth Points of Light पुरस्कार इनमें से किसके द्वारा जीता गया था? गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे, काफी टाइम बाद आई हूँ मैं। यस, चलिए ओके। सबसे पहले आ जाते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये किसको मिला था? ये मिला था सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। किसको मिला था? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपको याद होगा, हमने इसे पहले भी कवर किया हुआ है। अगला सवाल, रोमानियन रोलैंड बुक प्राइज 2021 जो कि कोलकाता में दिया गया, ये इनमें से किस नॉवेल के लिए दिया गया है? यानी रोमानियन रोलैंड बुक प्राइज 2021 किस नॉवेल को मिला है, ये है मेरा आपसे सवाल। और नॉवेल का नाम है ली मैरिज डी पैलेसर। ये एक फ्रेंच नॉवेल है और जिसके राइटर का नाम क्या है? तहर बेन जैलू। क्या नाम है? तहर बेन जैलू। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमने बात की रोमानियन रोलैंड बुक प्राइज जो कोलकाता में दिया गया। आओ ओके, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 इनमें से किसको मिला है? ये अवार्ड महाराष्ट्र सरकार देती है, इस कमिटी को हेड करते हैं महाराष्ट्र के CM, इस बार उद्धव ठाकरे ने इसको हेड किया था। ठीक है, और करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आशा भोसले। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले को ये अवार्ड दिया गया था, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्बेंस को इग्नोर करिएगा और क्लास पर फोकस करते हैं। जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी यानी मानव भाईचारे के लिए जायद पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था? अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा कि यहाँ जो दो लोग हैं उनमें से एक नाम तो बहुत फेमस है, दूसरा नाम जो है वो किस देश से आती हैं? ठीक है, ओके, यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी एंटोनियो गुटेरेस और लतीफा इबन ज़ियाटन, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ओके, चलिए बढ़िया, थैंक यू गाइस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रहेगा, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस आपको पता है, लतीफा इबन ज़ियाटन के बारे में आपको मुझे बताना है ये किस देश से आती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बट ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2020, फेमिना मिस इंडिया 2020 का ताज किसने जीता? सिंपल सवाल है, आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। ओके, बढ़िया, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, हेलो दिव्या, हेलो आरोही, हेलो टू एवरीवन। ठीक है, आप सबको इसका आंसर पता है, आंसर है
मानसा वाराणसी, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए, नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता इनमें से किसको घोषित किया गया है? फेमस नाम है, फेमस पर्सनैलिटी है और इनके बेटे तो आजकल वैसे भी न्यूज में रहते हैं। ओके, बढ़िया। तो आपको पता होगा साइरस पूनावाला, आपने SIII का नाम रिसेंट दो सालों में बहुत सुना है। साइरस पूनावाला SIII के फाउंडर थे और अभी आप अदर पूनावाला तो सुन ही रहे हैं। कोई बात नहीं संजय, मैं अब वापस आ गई हूँ, मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज बहुत कुछ कवर कराऊंगी, परेशान मत होइए। सो द करेक्ट आंसर इज साइरस पूनावाला, ठीक है। SIII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। प्रोफेसर CR राव सेंचुरी गोल्ड मेडल अवार्ड, क्या नाम है? प्रोफेसर CR राव सेंचुरी स्वर्ण पदक पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है? ठीक है, प्रोफेसर CR राव सेंचुरी गोल्ड मेडल अवार्ड, ये अवार्ड दो लोगों को मिला है, बिल्कुल ये अवार्ड मिला है जगदीश भगवती और सी रंगराजन को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी। क्या है करेक्ट आंसर? बोथ ए एंड बी, यानी जगदीश भगवती और सी रंगराजन, याद रहेगा। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ड्स 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जो ATW के 2021 के द्वारा दिया गया है, ये किस एयरलाइंस को मिला था? मैंने आपको बताया भी था कोविड के टाइम पर इस एयरलाइंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये है कोरियन एयर। कोरियन एयर साउथ कोरिया की है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोरियन एयर। आ जाइए, राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन IT, क्या सवाल है? राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी में किस स्टेट को ये अवार्ड मिला है, बताइए फटाफट। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन, यहाँ छत्तीसगढ़, अच्छा और कोई, यहाँ ये अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिला है। किसको मिला है? महाराष्ट्र को, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अवार्ड महाराष्ट्र को गया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन IT महाराष्ट्र, ओके, गलती नहीं करना है, छत्तीसगढ़ नहीं है, करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। आ जाओ, अच्छा ये काफ़ी सिंपल सवाल है, और CM हैज़ गॉट द स्कॉच CM अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड किस राज्य के CM को गया है? आपको पता है ये CM बहुत न्यूज़ में रहते हैं और ये कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी, यानी कि आंध्र प्रदेश के CM, तो इनको स्कॉच CM अवार्ड मिला है, आपको याद होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अच्छा अभी मेरा एक सवाल है, मैं इसको थोड़े से, तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको दूंगी, बट मेरा एक सवाल है कि इस बार ग्लेंटरी अवार्ड जो है वो कितने लोगों को टोटल दिया गया है और ये अवार्ड कौन देता है, ठीक है। अशोक चक्रा अवार्डी ऑफ 2021 हु हैज बीन गिवन द अवार्ड पोस्थमिसली, यानी मरणोपरांत किसको अशोक चक्र अवार्ड इस बार मिला है? बिल्कुल सही जवाब है, ये मिला है बाबूलाल को, ठीक है। किसको मिला है? बाबूलाल को। तो यहाँ हमने बात किया अशोक चक्रा का, ठीक है। मैं, क्योंकि ये अवार्ड अभी रिसेंटली मिला है, आपको यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, टोटल अवार्ड कितने लोगों को मिला है आपको टोटल याद रखना है, आपको अलग से जो दो तीन नाम मैं बताऊंगी वो याद रखिएगा, और टोटल ये अवार्ड कितने लोगों को मिला है और ये अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। तो 144 लोगों को ग्लेंटरी अवार्ड इस बार मिला है, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए, मैंने आपको जाने से पहले भी पढ़ाया था, कई सारे एयरपोर्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिला है, तो बेस्ट एयरपोर्ट इन एनुअल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ASQ अवार्ड 2021, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बेस्ट एयरपोर्ट ACI ASQ अवार्ड किसको मिला है? बिल्कुल सही जवाब है, ये अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, गलती नहीं करिएगा, वापस से देखिए, बेस्ट एयरपोर्ट इन एनुअल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। आ जाओ, अच्छा आपको पता है कुछ अवार्ड्स हैं, उनकी मैं आपको एंड में एक कंपैरिजन लिस्ट भी दूंगी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड,
ऑस्कर अवार्ड, इस टाइप के जितने भी अवार्ड हैं उनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसको गया? सबसे पहले तो कौन सा एडिशन था 78, ये याद रखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको पता है मूवीज़ में नोमडलैंड ने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं और यहाँ भी नोमडलैंड करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखिए, आपको मूवी याद रखनी है, आपको डायरेक्टर याद रखने हैं, आपको एक्टर याद रखना है, आपको एक्ट्रेस, ये चार चीज़ें तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको फॉरेन लैंग्वेज मूवी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये चार पांच कैटेगरीज हैं जो आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। मैं आपको एंड में लिस्ट भी दूंगी, ठीक है, मैं आपको एंड में कंपैरिजन लिस्ट भी दूंगी। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है, यहाँ आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अगर मैं पूरा रिवाइज कराने आऊँगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपको एंड में कंपैरिजन लिस्ट भी दूंगी, पीडीएफ भी मिलेगा, कंपैरिजन लिस्ट भी मिलेगी, सब मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेत्र पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट बहुत सिंपल है। क्या है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020? ये अवार्ड किस पब्लिकेशन को गया? ये अवार्ड साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स के द्वारा दिया गया, वेन इफ्रा, ठीक है। तो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड हिंदू ग्रुप को गया था, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, याद रहेगा। क्वेश्चन क्या है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में किस श्रृंखला यानी कौन सी वेब सीरीज है जिसको बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड गया है, ठीक है। तो गाइस ये लिस्ट भी आपको अच्छे से याद करनी है। ये अवार्ड गया है स्कैम 1992 को, आपको पता है काफी ज्यादा न्यूज में था। तो आपको पता है यहां आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है, एक्ट्रेस फीमेल मेल, क्रिटिक के दोनों अवार्ड, बेस्ट फिल्म, इंटरनेशनल फीचर फिल्म। देखिए ये आपको पूरा एक बार अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये इंडिया का अवार्ड है, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है और यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें याद अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। सीरीज एक अच्छी सीरीज है स्कैम 1992, यस। चलो आ जाओ, हु हैज कन्फर्ड विद एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड? क्या हो गया शिवम? ओके ठीक है, क्या सवाल है? सवाल ये है एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से इनमें से किसको सम्मानित किया गया था, और यहां करेक्ट आंसर है आर एस सोढ़ी। क्या नाम है? आर एस सोढ़ी साहब जो हैं, इनको ये अवार्ड गया था। आर एस सोढ़ी कौन है गाइस? चलो ठीक है, आर एस सोढ़ी याद रहेंगे, मुझे बताइएगा आर एस सोढ़ी कौन है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के बारे में जानकारी आपको मैं एंड में डेफिनेटली दूंगी, याद रखिएगा। यस, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा अशोक चक्र को लेकर, जरा मुझे ये बताइए कीर्ति चक्र अवार्ड इनमें से किसको मिला है? अमूल वाले बिल्कुल सही हैं, ठीक है। कीर्ति चक्र अवार्ड किसको गया है? ओके बढ़िया, चलो आंसर करो फटाफट। कीर्ति चक्र अवार्ड किसको गया है? कीर्ति चक्र अवार्ड गया है अल्ताफ हुसैन भट्ट को, अल्ताफ हुसैन भट्ट को, इनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये अभी रिसेंटली दिया गया है। ओके एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 इनमें से किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है, एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड ये मिला है किसको? ये मिला है वाइल्ड लाइफ क्राइम आगे कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB को, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं।
इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को बताइए। ये एक कंप्लीट रिवीजन कोर्स होगा, आपको अपने सारे दोस्तों को बताना है, उनको बोलना है क्लास वो अटेंड करें। अच्छा, इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? कौन है जिनको सम्मानित किया गया था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज गौशाल्या शंकर। क्या नाम है? गौशाल्या शंकर। गौशाल्या शंकर को यह अवार्ड दिया गया है और आपको यह याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखिए, आपको पता है साहित्य एकेडमी अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है? साहित्य एकेडमी अवार्ड 2020 इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का साहित्य एकेडमी अवार्ड किसको गया है और किसके लिए गया है? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। ये भी याद रखिएगा, किस पोयम या किस उपन्यास के लिए ये अवार्ड मिला है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये अवार्ड किसको गया है? एब्सोल्युटली अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य एकेडमी अवार्ड इंग्लिश कैटेगरी का मिला है, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देखिए, आपको इंग्लिश याद करना है, आपको तेलुगु भाषा का याद करना है, आपको कन्नड़ा की याद रखने हैं, आपको गुजराती याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा आपको अवार्ड रखना है, उर्दू का, इतने तो याद कर लीजिएगा, और हिंदी तो आपको याद करना ही करना है। ये 5-6 हैं जो आपको डेफिनेटली याद करना है, ठीक है। चलो, यस, एब्सोल्युटली हिंदी का गया है किसको? हिंदी का गया है अनामिका को, टोकरी में दिखना, एब्सोल्युटली। सिंपल सवाल है, एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े कम है, बट मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ गूगल विथ डूडल ऑन हिज 89th बर्थ एनिवर्सरी, 89वीं जयंती पर गूगल ने इनमें से किसका डूडल बनाया था, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है उदुपी रामचंद्रन राव। क्या नाम है? उदुपी रामचंद्रन राव, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो आ जाओ, UN's 2020 एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड, UN 2020 एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार में से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है गाइज, फटाफट बताइए। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ रहा है, एंड द करेक्ट आंसर इज सस्मिता लेंका। सस्मिता लेंका को UN 2020 एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट प्राइज दिया गया है। गुड मॉर्निंग पांडे साहब। चलो अगला सवाल देखिए, अब आपको पता है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इस बार 63rd ग्रैमी अवार्ड दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? किस एल्बम के लिए? फोकलोर। फोकलोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड 63rd ग्रैमी में किसको मिला है और ये कौन है? एब्सोल्युटली टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को ये अवार्ड गया है, और आपको पता है ग्रैमी जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। तो आपको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये तीन डेफिनेटली याद रखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ कुछ चीज़ें और याद रखनी है, बट ये तीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 67th नेशनल अवार्ड 2021, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, 67th नेशनल अवार्ड। पहले तो यही याद रखिएगा, कौन सा 67th राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और एक्ट्रेस का अवार्ड किसको गया है? कंगना रनावत को। ये पूरा पूरा रट लीजिएगा, दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्म, हिंदी फिल्म, डायरेक्शन, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस, चिल्ड्रन फिल्म, सब इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। तो कंगना रनौत को मिला है, आपको पता ही है, मणिकर्णिका और पंगा दोनों के लिए। हु हैव बीन कन्फर्ड विथ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है गाइज, फटाफट बताइए मुझे। और ये सम्मानित किया गया है आरके सबरवाल को, आरके सबरवाल को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। अच्छा, यहां कुछ नाम मैंने यूज किए थे, मैंने ये आपको पहले भी रिवाइज कराया था। राजेंद्र किशोर पांडा जो है उनको कोवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वहीं हम्बोल्डट रिसर्च अवार्ड मिला है कौशिक बसु को,
और वहीं 2021 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी का अवार्ड गया है ज़ेला एवनेट गार्डे को। तो ये तीन जो आपके लिए चारों है ना, ये चारों ही ऑप्शंस रीसेंट के कुछ अवार्ड्स हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ये अवार्ड। ठीक है, बिल्कुल दिव्या, एब्सोल्युटली आ जाइए। यहाँ मैंने अभी आपको नेशनल अवार्ड बताया, एग्जाम में ये सवाल कई बार आ चुका है, किस स्टेट को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड का गया है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में। सवाल सिंपल है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम स्टेट जो है, सिक्किम राज्य को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार मिला है। तो द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। चलो अगला अवार्ड देखें, गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको गया। आपको पता है इस साल 2019 और 20 दोनों का ही गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। यहां मेरा सवाल आपसे 2019 को लेकर है, तो 2019 किसको गया है, काबूस बिन सैयद अल सैयद, जो किस कंट्री से आते हैं, सॉरी ओमान। ठीक है, अच्छा अभी एक और सवाल जो इस पर है वो मैं आपको आगे पूछूंगी, बट आपको तब तक मुझे बताना है व्यास सम्मान 2020। गाइस, साहित्य, व्यास, ज्ञानपीठ, इस टाइप के जितने भी अवार्ड मिलते हैं उनके विनर और उनको किस बुक के लिए, किस नॉवेल के लिए, किस उपन्यास के लिए अवार्ड दिया गया है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहां मैंने आपसे सवाल पूछा है किसको लेकर, व्यास सम्मान को लेकर। व्यास सम्मान अवार्ड गया है शरद पागरे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसके लिए, पाटलिपुत्र की समरागी, एब्सोल्युटली। चलो गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2020, 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, सिंपल सवाल है, 19 काबू साहब को और 20 किसको गया है, 20 गया है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश, आपको पता है फादर ऑफ बांग्लादेश दैट इज शेख मुजीबुर रहमान। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेम द बुक ऑफ मैगी ओ'फेरल विच हैज वॉन द नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल प्राइज फॉर फिक्शन। देखिए यहां आपसे सिंपल सा सवाल ये भी पूछ सकता है कि मैगी ओ'फेरल की इनमें से कौन सी बुक है, या बुक का नाम दे दिया जाए और आपसे राइटर पूछ लिया जाए, कौन सी बुक है गाइस, हैमनेट। मैगी ओ'फेरल की बुक का नाम है हैमनेट, जिसको नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल प्राइज फॉर फिक्शंस दिया गया है, याद रहेगा। आ जाओ एक और अवार्ड, कौन सा अवार्ड, मूवीज में फिल्म फेयर अवार्ड 2021, 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किसको गया। ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड की बात हम कर रहे हैं, अब आपको याद रखना है फिल्म फेयर अवार्ड का 66 एडिशन दिया गया और ये अवार्ड गया है किसको, इरफान खान को। यस गाइस, इरफान खान साहब को ये अवार्ड मिला है, मूवी थप्पड़, फिल्म बेसिकली बेस्ट फिल्म, क्रिटिक्स प्रतीक वर्ष को मिला है, डायरेक्टर आपको याद रखना है, एक्टर याद रखना है, ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए फिल्म फेयर नेशनल, ये दो अवार्ड इंडिया से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा फिल्म फेयर और नेशनल से ही पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ, महेंद्र गिरी रेंजर ऑफ विच टाइगर रिजर्व बिकम द ओनली एशियन टू विन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। महेंद्र गिरी साहब जो हैं, यस महेंद्र गिरी साहब जिनको इस बार क्या मिला, इनको मिला इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, ये पहले या एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला, ये किस टाइगर रिजर्व के रेंजर हैं, राजा जी, एब्सोल्युटली करेक्ट है, राजा जी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड राज्य में आता है, वहां के रेंजर महेंद्र गिरी साहब को क्या मिला है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। सरस्वती सम्मान अवार्ड, मैंने आपको बोला था बुक्स वाली कैटेगरी में जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं वो सब याद कर लीजिएगा। ओके चलो, ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले साहब को इस बार का सरस्वती सम्मान अवार्ड गया है। गाइस वापस से याद रखिएगा, इसको मिक्स मत करिएगा कि व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ और इनको आप मिक्स करें, याद रखिएगा ये अवार्ड गया है शरण कुमार लिम्बाले साहब को, बुक का नाम सनातन,
यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सनातन के लिए, ठीक है आ जाओ। 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल क्लियर है। 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 किसको गया? यस रजनीकांत साहब को गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रजनीकांत। FIAF अवार्ड 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया? FIAF अवार्ड 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? किसको किया गया गाइस, फटाफट बताइए। बच्चन साहब को, एब्सोल्युटली अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थलाइवा बच्चन साहब, सारे आपको यहां मिल जाएंगे। अच्छा 30th जीडी बिरला प्राइज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इनमें से किसको 30वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है? 30वां जीडी बिरला अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ये अवार्ड गया है सुमन चक्रवर्ती को, बिल्कुल सही है। आइए ओके ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ACM AM टर्निंग अवार्ड, ACM यानी एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, AM टर्निंग अवार्ड किसको गया है? इसको कंप्यूटिंग इंडस्ट्री का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है, यानी AM टर्निंग अवार्ड इनमें से किसको गया है, और AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये गया है किसको गाइज, ये गया है एल्फर्ड आहो को, एल्फर्ड आहो को ये अवार्ड गया है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा विच स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव बीन सेलेक्टेड फॉर चांसलर अवार्ड 2020 इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज, यानी कि विशिष्ट विश्वविद्यालयों की श्रेणी में चांसलर अवार्ड 2020 के लिए इनमें से किस कृषि विश्वविद्यालय को चुना गया है, और ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ का है? ये है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वापस से देखिए, अब यहाँ मेरा सवाल है बाफ्ता को लेकर, मैं आपको एंड में कंपैरिजन लिस्ट दूंगी, परेशान मत होइएगा। बाफ्ता अवार्ड 2021 में बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसको गया है? इस बार 74th एडिशन दिया गया है बाफ्ता का, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, और लीडिंग एक्टर का अवार्ड गया है एंटोनी हॉपकिंस को, किसको गया है? एंटोनी हॉपकिंस को, बिल्कुल सही जवाब है। ये है लिस्ट आपके सामने, इसको आपको रिवाइज करना है गाइस, जितनी भी लिस्ट मैं आपको ऐड करके दे रही हूँ ना, आपको बेस्ट फिल्म, लीडिंग एक्ट्रेस, एक्टर, मूवी डायरेक्टर, ये याद कर लेना है। आ जाओ विच लैंग्वेज फिल्म पुगलिया हैज वॉन द बेस्ट फॉरन फीचर अवार्ड एज मॉस्को फिल्म फेस्ट, मॉस्को फिल्म फेस्ट में इनमें से किस भाषा की फिल्म पुगलिया को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर मूवी का अवार्ड गया है? हेलो गाइस ओके ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, PDF प्रदीप डेफिनेटली मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है यहाँ? मराठी और मलयालम में कन्फ्यूजन दिख रहा है गाइज, मराठी, मलयालम नहीं है, मराठी लैंग्वेज की मूवी है पुगलिया, यस आ जाओ, ठीक है क्लियर है ना ओके। टॉप सिविलियन अवार्ड इन यूएई, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में शीर्ष नागरिक पुरस्कार, अगर आपको याद हो पुगलिया के पोस्टर में आपने एक डॉगी को देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ओके। यूएई संयुक्त अरब अमीरात बहुत फेमस बिजनेसमैन हैं, उनको इन्होंने टॉप सिविलियन अवार्ड दिया है, और इनका नाम है यूसुफ अली एमए, यूसुफ अली एमए को टॉप सिविलियन अवार्ड यूएई के द्वारा दिया गया है, ठीक है आ जाओ अगला सवाल। सिंपल सवाल है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड, पहला एडिशन छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया, ठीक है सिंपल है गाइस, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है ये, और करेक्ट आंसर आपको याद ही होगा दूती चंद, दूती चंद एथलीट हैं, उड़ीसा राज्य से आती हैं, बट इनको अवार्ड छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड मिला है। हाँ अच्छा संजय दत्त को एब्सोल्युटली बिल्कुल, ठीक है आ जाओ ओके। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर ऑनर्स,
नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली, बुक का नाम भी बिल्कुल करेक्ट है, बढ़िया। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर ऑनर्स दिया गया है। ठीक, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था, आने के एग्जाम में चांसेस बहुत कम है, बट आपको याद एक बार करना पड़ेगा। AICTE लीलावती अवार्ड 2020 अंडर विमेंस हेल्थ सब थीम। तो देखिए AICTE लीलावती अवार्ड दिया गया, ये 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। विमेंस हेल्थ सब थीम के अंडर ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है किसको गाइस? ये अवार्ड मिला है वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र को। ये मैं आपको कैटेगरीज दे रही हूँ, एक बार याद कर लीजिएगा, आने के चांसेस कम है बट फिर भी एक बार याद कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, सिंपल सवाल है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा को स्केल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है और ये दुनिया की किस नंबर की पीक है? हेलो गाइस, बढ़िया, सबसे पहले आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट आंसर है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते पहली भारतीय हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया है। माउंट अन्नपूर्णा किस कंट्री में है गाइस? फटाफट मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री है और ये किस नंबर की पीक है। ठीक, तब तक आप मुझे अगले सवाल का जवाब दीजिए। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020, कामिरीता एवरेस्ट बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है? चलो ऑप्शन है इंडिया में या नेपाल में, चलिए आप मुझे बताइएगा इंडिया में है या नेपाल में है, ढूंढ कर आइएगा। नेपाल एब्सोल्युटली करेक्ट है, बढ़िया। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 किसको मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है CNR राव। क्या नाम है? CNR राव। CNR राव साहब को इंटरनेशनल ENI अवार्ड मिला है और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा मैं आपको एंड में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगी, चलिए एक बार सुन लीजिए। नेपाल में है, दुनिया की 10वीं सबसे हाईएस्ट पीक है। शेरपा, एब्सोल्युटली, आ जाओ। ई पंचायत अवार्ड 2021 इन कैटेगरी 1, सिंपल क्वेश्चन, ई पंचायत अवार्ड किसको मिला, किस राज्य को मिला? ठीक है, ई पंचायत अवार्ड किस राज्य को मिला और ये राज्य है योगी आदित्यनाथ का, यानी कि उत्तर प्रदेश। यस, आ जाओ अगला सवाल। कलिंगा रत्ना सम्मान, कलिंगा रत्ना सम्मान किसको मिला है? ठीक है, तो कलिंगा आप सबको समझ में आ गया, ये अवार्ड उड़ीसा के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? कोई बात नहीं, जो गलती हो रही वहां सीखेंगे क्या गलत हो रहा है और आगे से गलत नहीं करेंगे। कलिंगा रत्न सम्मान अवार्ड ये मिला है विश्वभूषण हरिचंदन को। विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के गवर्नर हैं? जरा फटाफट मुझे बता दीजिए किस राज्य के गवर्नर हैं ये। ओके, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मैं PDF में इसे करेक्ट कर दूंगी। आंध्र प्रदेश एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो, Who among the following has become the first Indian woman to get World Innovator Award 2021? World Innovator Award 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सिंपल है सवाल। World Innovator Award 2021 को पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है कृति के करंत। कृति के करंत को यह अवार्ड मिला गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। आ जाओ सीधे अगले सवाल पर आते हैं। Who has won the Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021? Okay, चल। Nelson Mandela विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, अच्छा मैं अगर आपको बताऊं तो ये अवार्ड दो लोगों को मिला था, एक मिला था जनवरी में और एक मिला था अप्रैल में। तो आपके लिए अप्रैल वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज रुमाना सिन्हा सहगल। अगर मैं आपको जनवरी में बताऊं तो जनवरी में भी अवार्ड मिला था रवि गायकवाड़ को। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में बाय चांस रवि गायकवाड़ आ गए, रुमाना सिन्हा सहगल नहीं आई, तो गलती मत करिएगा। ठीक है, चलो 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 गाइस, आपको पता है एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको गया था?
ठीक है, वापस से मूवी वही है, मूवी है नोमैडलैंड। ठीक, ये लिस्ट है, आपको पता है ऑस्कर 93rd एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, आपको पता है। यहां सपोर्टिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, यहां आपको फॉरेन लैंग्वेज या इंटरनेशनल मूवी के भी क्वेश्चन आते हैं, यहां आपसे डॉक्यूमेंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, यूनेस्को गुलिरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, मारिया रेसा एब्सोल्युटली करेक्ट है, किस कंट्री से आती हैं ये, यहाँ काफ़ी सारे कंफ्यूजन हुए थे जब मैंने आपको पढ़ाया था, मारिया रेसा का देश बताइएगा मुझे। ओके, जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है, बताइए फटाफट। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये अवार्ड जापान देता है, और ये अवार्ड जापान ने किसको दिया था, श्यामला गणेश को। ठीक है, श्यामला गणेश, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कंट्री पूछी थी, कंट्री उनकी वो फिलीपींस बॉर्न है बट वो अमेरिका में रहती है, तो उनके पास फिलीपींस और अमेरिका दोनों की ही नेशनल बेसिकली वो है। ओके, अच्छा ठीक है, फर्स्ट इंडियन जज टू रिसीव एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन अवार्ड, एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय न्यायाधीश कौन है। ओके, ठीक है, ये अवार्ड पाने वाली पहली इंडियन है गीता मित्तल, गीता मित्तल आपको याद होंगी, किस हाईकोर्ट की ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं गाइस। ठीक है, गीता मित्तल याद रहेगा, याद रखिएगा, पहली भारतीय ये जम्मू कश्मीर, एब्सोल्युटली करेक्ट है, आपको पता होगा ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, अब बेसिकली इसका नाम चेंज हो गया है। हेलो आदेश। ओके, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा विच हैज बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली, अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा दिया गया, स्टार्ट किया गया, इसमें कैश प्राइस कितनी है, थैंक यू गाइस। ओके, 10 लाख रुपीज, एब्सोल्युटली करेक्ट है, करेक्ट आंसर है 10 लाख रुपए। सीधे आ जाओ अगले सवाल पर, बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवार्ड एक इंडियन को मिला है, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको गया न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, इंडियन को मिला है इसलिए ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, और करेक्ट आंसर है अनुपम खेर, अनुपम खेर साहब को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आ जाओ, अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन पर्सन टू वॉन अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज, हैप्पी बर्थडे, यस बिल्कुल सही है, हैप्पी बर्थडे के लिए मिला है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ये जो अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज है इसका एग्जैक्टली नाम क्या है गाइज, ठीक है, इसको अरब वर्ल्ड का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ये अवार्ड गया है ताहिरा कुतुबुद्दीन को, ये पहली भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, बट आपको पता होगा ये अभी कहाँ रहती हैं, ये अभी यूएस में रहती हैं। चलो आ जाओ, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द प्रेस्टिजियस 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस ये भी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, शेख जायद के नाम पर वो अवार्ड है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्राइज जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये मिला है किसको, शकुंतला हरक सिंह थील्ड को, शकुंतला हरक सिंह, इतना याद रखिए, पूरा नाम नहीं याद रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शकुंतला हरक सिंह, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है, कोई बात नहीं रामदास, क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं याद होगा जो याद है ठीक है, नहीं तो आप रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज वापस से एनटीपीसी, एनटीपीसी वालों, क्या ये एनटीपीसी है, नहीं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला था, एनटीपीसी को नहीं मिला था, ठीक है। आ जाओ, मिस यूनिवर्स 2021 क्राउन, 2021 का मिस यूनिवर्स का क्राउन किसको गया था, ये किस देश से आती हैं, गुड मॉर्निंग,
कोई बात नहीं, जहां गलती हो रही है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मिस यूनिवर्स 2021 क्राउन किसको गया है? ये गया है एंड्रिया मेजा को। एंड्रिया मेजा किस देश से आती हैं गाइस? मुझे इनकी कंट्री भी बता दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिया मेजा। याद रहेंगी, देश आप मुझे बताइए फटाफट। मैक्सिको इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो कोई बात नहीं, मैक्सिको से हैं। ठीक है, फिलीपींस से है कि मैक्सिको से है? अच्छा, यहाँ दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास एंड्रिया मेजा को लेकर, फिलीपींस करेक्ट आंसर है या फिर ओके यहां फिलीपींस काफी सारे बच्चों का आ रहा है गाइस। नहीं, गलती नहीं करिएगा, फिलीपींस नहीं है, मैक्सिको करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। वाइटले अवार्ड 2021 फॉर हिज बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर, जैव विविधता शांति गलियारे के लिए प्रतिष्ठित वाइटली अवार्ड इनमें से किसको मिला था? कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैक्सिको से है वो, फिलीपींस नहीं है। अच्छा, यहां मेरा सवाल आपसे किसको है? वाइटले पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है वाई नुकुलू फोहम को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओके। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये आप में से कोई गलत नहीं करेगा, मुझे पता है कुछ अवार्ड आप लोग कभी गलत नहीं करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? ये सब सही करेंगे और करेक्ट आंसर है सुरेश मुकुंद। ठीक है, सुरेश मुकुंद को मिला है वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड, याद रखिएगा। ठीक है, 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, विकास के लिए, बेसिकली मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? ध्यान से आंसर करिएगा, गलती नहीं करिएगा, ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यस, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। डेविड एटनब्रो जो है ये बीबीसी के कभी हेड रह चुके हैं, ये जर्नलिज्म और ये इस टाइप की चीजों से रिलेटेड हैं। शंकर और डेविड क्लेंडरमन, इनको ये अवार्ड मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो ओके। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 बाई महर्षि ऑर्गेनाइजेशन, महर्षि संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया था? ये वो शख्सियत हैं जो अब अपने पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, और ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, रमेश पोखरियाल निशांक, और उनको ये अवार्ड मिला था एजुकेशन इंडस्ट्री में अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, चलो। Who among the following have been awarded the India Biodiversity Award 2020? अब ध्यान से सुनिएगा, हमने वहाँ अलग अवार्ड पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं अवार्ड बायोडाइवर्सिटी के लिए ही है, लेकिन ये है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। एंड द आंसर इज शाहजी एनएम। हेलो शिवानी, क्या नाम है? शाहजी एनएम। तो शाहजी एनएम साहब जो हैं ये आपको याद रख लेने हैं। अच्छा, ध्यान से, यहाँ दो अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद स्पेन्स टॉप अवार्ड इन सोशल साइंस, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। तो देखिए, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड जो है ये स्पेन के द्वारा दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। यहाँ मैंने आपसे सोशल साइंस के लिए पूछा है और सोशल साइंस के लिए अवार्ड गया है अमृत सेन को। आपको, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊँ अमृत सेन साहब कौन है। ठीक है, वहीं ये अवार्ड बुक्स कैटेगरी के लिए एक फ्रेंच ऑथर हैं इमैनुअल कैरर, इनको भी दिया गया था। सेम अवार्ड है बट कैटेगरी अलग है। ठीक है, अमृत सेन साहब मुझे लगता है आप सबको पता होंगे। नोबेल प्राइज, भारत रत्न दोनों इनको मिल चुका है। इकोनॉमिस्ट हैं, काफी फेमस अर्थशास्त्री हैं। अगला अवार्ड देखिए, टेम्पल्टन प्राइज फॉर लाइफ वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी, पशु बुद्धि और मानवता पर काम करने के लिए 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया है? बिल्कुल सही है, 1998 नोबेल, 1919 भारत रत्न, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो टेम्पल्टन प्राइज ये किसको मिला है गाइस? टेम्पल्टन प्राइज मिला है ये जेन गुडल को, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जेन गुडल टेम्पल्टन प्राइज। ओके, अगला अवार्ड, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द रुडल्फ वी शिल्डर अवार्ड।
रुडोल्फ वी श्लेंडर पुरस्कार जो है वो इनमें से किस भारतीयों को मिला है? ये पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ भी फर्स्ट वर्ड ऐड हो जाए वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करेक्ट आंसर क्या है? नागेश्वर रेड्डी साहब, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सेतु मान हैज वॉन ग्रैंड जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ एलए। यानी किस भाषा की फिल्म सेतु मान को लॉस एंजलिस के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ग्रैंड जूरी अवार्ड दिया गया है? सिंपल सवाल है। अब देखिए, यहां मैंने आपसे क्या पूछ लिया? लैंग्वेज पूछ लिया है, और लैंग्वेज कौन सा है? तमिल। ओके, यूएन से प्रेस्टीजियस मेडल। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पीस कीपर्स हैज वॉन हैज बीन ऑनर्ड विथ यूएन प्रेस्टीजियस मेडल? ध्यान से। ओके, ये तीन लोगों को दिया गया था, युवराज सिंह, माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगले सवाल पर आ जाइए। सॉरी, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद WHO DG स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज एफर्ट इन टोबैको कंट्रोल? ये भी अब अपने पोजीशन पर नहीं है, तंबाकू नियंत्रण में अपने कार्यों के लिए WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किसको मिला था गाइस? ये अवार्ड मिला था डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो हमारे देश के उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? टोबैको डे 31 अगस्त, याद करिए, क्या टोबैको डे 31 अगस्त को होता है? 31 जुलाई अगस्त। ओके, मई, क्या करिए, मई है कि अगस्त है कि जुलाई है? यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है नितिन राकेश और जेरीविंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। किस बुक के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। 31 मई इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, फर्स्ट फ्रेंच विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2021। मई बिल्कुल सही है, 31 मई को होता है टोबैको डे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाले पहले फ्रांसीसी विजेता कौन है? गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले राइटर देख लीजिए, राइटर हैं डेविड ड्यूब। किसके लिए मिला है इनको? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड ड्यूब जो कि फ्रांस से आते हैं, वो पहले फ्रांसीसी राइटर हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एब्सोल्युटली। ओके, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, याद है, फोटो दिखाई थी मैंने आप लोगों को, TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया है गाइस? याद है ना, ये थॉमस विजयन साहब, याद होंगे आपको, थॉमस विजयन को ये अवार्ड गया है, TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। चलो, बाफ्टा टीवी अवार्ड, अब आपको याद होगा मैंने इससे पहले जो बाफ्टा पढ़ाया था वो बाफ्टा कौन सा था? वो था मूवीज के लिए। बाफ्टा टीवी अवार्ड भी दिया जाता है, और लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको गया है? ठीक है, लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड बाफ्टा टीवी अवार्ड गया है किसको? ये गया है माइकल कोयल को। किसको गया है? माइकल कोयल को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ लिस्ट मैंने आपको दे दी है, यहाँ से ज़्यादा सवाल आने के चांसेस नहीं है, यहाँ याद रख लीजिएगा लीडिंग एक्ट्रेस, एक्टर और ड्रामा सीरीज, ठीक है, ये तीन चीज़ याद रखिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आ सकते हैं। ओके, पेन प्रिंटर प्राइज 2021 किसको मिला है, किस देश से आती हैं और किस बुक के लिए मिला है? पेन प्रिंटर प्राइज 2021, सवाल सिंपल है, सवाल क्लियर है। ओके, इनका नाम पूरा तो आप मत भी याद रखिए, सिंपल सा याद रखिए, तपस्वी डेंगरेम्बा। किस देश से आती हैं? जिम्बाब्वे से। किसके लिए मिला है? थीस मॉर्नेबल बॉडी। बुक याद रखिए,
नाम याद रखिए, ये दो सवाल आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। जब भी मैं आपको कोई अवार्ड पढ़ाऊं और वहां बुक और राइटर हो तो उसको बुक और राइटर के तौर पर भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन पुलित्जर प्राइज 2021 इन फिक्शन कैटेगरी फॉर द बुक द नाइट वॉचमैन। द नाइट वॉचमैन के लिए फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर प्राइज 2021 किसको मिला है? किसको मिला है ये अवार्ड? मिला है लुईस एडरिच को, सिर्फ लुईस एडरिच को मिला है, ए एंड बी नहीं। यहां आपको मैं पूरी लिस्ट दे रही हूं, यहां आपको देखिए क्या याद रखना है। ये मैंने एक सवाल आपसे पूछा, इसके अलावा याद रखिएगा एक इंडियन को मिला है। कौन है वो इंडियन? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन, एलिशन किलिंग एंड क्रिस्टोफर बुशेक को ये अवार्ड मिला है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको गया है? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इनमें से किसको गया है? ठीक है, किसको गया है गाइस? यस, एब्सोल्युटली, ये अवार्ड गया है तिलोत्तमा शोमे को। किसको गया है? तिलोत्तमा शोमे को। तो तिलोत्तमा शोमे को बेस्ट एक्टर अवार्ड एट यूएन एशियन फिल्म फेस्टिवल मिला है। आ जाइए, ओके। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021, प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? ध्यान से, ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्टर किस स्टेट की रह चुकी हैं? देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर कहीं एक्टर एक्ट्रेस फीमेल ऐसा कुछ लिखा होता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। कई बार एक्टर इन फीमेल भी आपसे पूछा जाता है, एक्टर वर्ड यूज किया जाता है फीमेल के साथ। केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को ये अवार्ड गया है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है? ये ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य से आती है? ठीक है, सबसे पहले लैंड फॉर लाइफ अवार्ड गया है, ये गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, इस एनजीओ को ये अवार्ड मिला है, ये एनजीओ राजस्थान राज्य से है और आपको ये भी याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, नेम द इंडो अमेरिकन केमिस्ट हु हैव बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस यूरोपियन इनोवेटर अवार्ड 2021 इन नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी। आपको मुझे बताना है उस इंडो अमेरिकन केमिस्ट का नाम जिनको गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों की कैटेगरी में प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है सुमिता मित्रा। सुमिता मित्रा को उनके बेसिकली रिसर्च के लिए उनके क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है। अच्छा, एयरपोर्ट को लेकर एक सवाल और है मेरा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विसेज, यानी एयरपोर्ट सर्विसेज को देने में कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है जिसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डीजीज रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? ठीक है, और ये एयरपोर्ट है कोचीन एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा, जब आपसे क्या पूछा जाए कि बेस्ट एयरपोर्ट टाइप सवाल आए तो वो था आईजीआई, बट जब सर्विसेज को लेकर क्वेश्चन आए तो यहां करेक्ट आंसर होगा कोचीन। आ जाओ, विच फिल्म मेकर्स डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर हैज वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन डॉक्यूमेंट्री सेक्शन एट द टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल 2021? डिकोडिंग शंकर के डायरेक्टर कौन है, ये किसकी है? कैंपव गोड़ा कब होगा? ओके, कैंपव गोड़ा वाला जो सवाल है वो थोड़ा पुराना है तो आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आ जाइए, यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है दीप्ति पिल्लय शिवान। डिकोडिंग शंकर आपको पता है शंकर महादेवन पर है। ओके, जापान्स फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 इनमें से किसको मिला है? जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार इनमें से किसको मिला है? ठीक है, और ये अवार्ड मिला है पलागुमी साईनाथ, पी साईनाथ को जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज मिला है।
ठीक आ जाओ। रिसेंटली कमलेश लूला एंड डैश हैव बीन ऑनर्ड बाई कैर्नेज कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क फाउंडेशन। तो कैर्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क फाउंडेशन के द्वारा कमलेश लूला और इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? कमलेश लूला नासा से रिलेटेड हैं और जो दूसरी पर्सनैलिटी हैं वो कौन है? यस, कहा कि ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये वर्ल्ड बैंक की या फिर ये IMF की इकोनॉमिस्ट हैं? देखिए आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, गीता गोपीनाथन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। गीता गोपीनाथन और कमलेश लूला को ये अवार्ड मिला है। गीता गोपीनाथन चीफ इकोनॉमिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन की हैं? चलो दो आंसर आया है मेरे पास, अब यहाँ IMF करेक्ट है या वर्ल्ड बैंक बताइएगा मुझे। तब तक अगला सवाल देखते हैं। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड वाज वर रिसीव्ड बाय, ठीक है, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है ये आपको मुझे बताना है। सवाल क्लियर है मेरा? चलो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ करेक्ट आंसर है AR रहमान और सैडपट हरी कृष्णन, इन दोनों को मिला था। चलो मैं आपको गीता गोपीनाथन का आंसर दूंगी, तब तक पहले ये सवाल देख लेते हैं, आ जाइए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 30th बिहारी पुरस्कार। 30th बिहारी पुरस्कार किसको मिला है ये आपको मुझे बताना है, जरा बुक का नाम भी बताइएगा मुझे। सबसे पहले देख लेते हैं 30th बिहारी पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है मोहन कृष्णन बोहरा साहब को। किस बुक के लिए, किस नॉवेल के लिए मिला है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। बिहारी पुरस्कार कौन सा स्टेट देता है गाइस, मतलब किस लैंग्वेज, किस के द्वारा ये दिया जाता है बताइएगा मुझे। मैंने एक सवाल पूछा था गीता गोपीनाथन को लेकर, गीता गोपीनाथन IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। किसकी? IMF की। राजस्थान इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यस। मैंने आपसे अशोक चक्र पे एक अवार्ड पूछा था और कीर्ति चक्र वाला अवार्ड क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको इग्नोर करिएगा, मैंने कीर्ति चक्र वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, यस। चलो अच्छा कुछ क्वेश्चंस बच गए थे तो मैंने उनको यहाँ ऐड कर दिया है। अब देखिए इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो अवार्ड अगस्त मंथ के हैं, तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इस्नर अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, इस्नर अवार्ड मिला है ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधाकृष्णन को। कौन सा अवार्ड? इस्नर अवार्ड, ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव का अवार्ड फिनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा किस बैंक को दिया गया है? DBS, ठीक है। उसके बाद ब्रूनल मेडल किसको मिला है, ये मिला है मैंग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि भूटान में है और ये इंडिया और भूटान दोनों का ही प्रोजेक्ट है, यानी इंडिया भूटान में इस प्रोजेक्ट को बनाया है, ठीक है। सेवेंथ नेशनल अवार्ड अंडर वन धन योजना, वन धन योजना के अंडर सेवेंथ नेशनल अवार्ड किसको गया है? नागालैंड को। US इनोवेशन अवार्ड गया है इंडिया को। अभी स्काईट्रेक्स ने टॉप 100 एयरपोर्ट की लिस्ट निकाली जिसमें 4 इंडियन एयरपोर्ट हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, उसके बाद हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट जो कि कैंपव गोड़ा के नाम से जाना जाता है, और मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद US कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ये अवार्ड महात्मा गांधी को अभी रिसेंटली दिया गया है। नेशनल यूथ अवार्ड मोहम्मद आजम को दिया गया है और अभी ईज थर्ड 3.0 रिफॉर्म अवार्ड मिला है जिसमें ओवरऑल बेस्ट बैंक रहा है SBI और बेस्ट इंप्रूवमेंट बैंक रहा है इंडियन बैंक, ठीक है। तो गाइज ये अगस्त के कुछ और अवार्ड हैं जो इन क्वेश्चंस में ऐड नहीं थे, इसलिए मैंने आपको इसकी लिस्ट दे दी है, ठीक। इसके बाद ये कुछ और अवार्ड जो पुराने हैं एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, अगर कभी वैसे यहाँ आपके लिए ये टैब्ल्यू वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्ट्रोलर प्रैक्टिस है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जनवरी में दिया गया था, तो ये कुछ अवार्ड है जो एक बार रीड करके आप छोड़ सकते हैं।
रंजीत मैं PDF आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। संजय रोज क्लास होगी, मैं भी आपको क्लास का शेड्यूल बता देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक कंपैरिजन लिस्ट दे दूंगी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एकेडमी अवार्ड जिसको हम ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, और बाफ्टा अवार्ड। इसका मैंने आपको एक कंपैरिजन लिस्ट दे दी है कि ड्रामा डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, पिक्चर, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, देखिए कहाँ कौन सा सेम। देखिए जैसे अगर आप मूवी देखें तो तीनों में मूवीज सेम ही अवार्ड गया है, डायरेक्टर सेम ही अवार्ड गया है, तो एक बार इनको आप रीड कर लीजिएगा, जहां आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एकेडमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड में कहां क्या डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी रिवीजन क्लास जो चल रही है वो चलेगी, ये है रिवीजन क्लास का शेड्यूल। आज पहली क्लास थी 2 सितंबर अवार्ड एंड ऑनर, कल की क्लास का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी एक 6 बजे क्लास है, 6 बजे की क्लास जो है उसमें आज हम RBI के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम NABARD के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिनके भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं और जिनको RBI, NABARD, नेशनल हाउसिंग बैंक इन सब के बारे में पढ़ना है, वो मुझे 6 बजे की क्लास में डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। 8 बजे की क्लास अभी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। अब देखिए गाइस, हाँ मेरी क्लासेस अभी रेगुलर चलने वाली हैं, ये शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है, सितंबर का ऑलमोस्ट शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है, सुबह बेसिकली 11 बजे की क्लास का और 6 बजे की क्लास का। मैं धीमे धीमे आप लोग को रेगुलर मिलती रहूँगी, जहाँ जो दिक्कत ठीक है, ओके, चलो और कोई डाउट। तो अब मैं आप लोग को रेगुलर मिलने वाली हूँ, हेल्थ रीजन से आपको पता ही है मैं छुट्टी पर थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। धीमे धीमे मैं आप लोग को करंट अफेयर्स की जो भी दिक्कतें हैं वो सब रिजॉल्व करवाऊंगी, मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मंथ वाइज भी रिवाइज करवाऊंगी। अब किसी के कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम रंजीत अभी मैं आपको रिजल्ट डेट नहीं बता सकती, बट आप ये मानकर चलिए कि इस वीक में रिजल्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि आपको पता है मैं पिछले काफी 1 महीने से बिल्कुल भी इन सारी चीजों के टच में नहीं रह पाई हूँ। धीमे धीमे मैं आप लोग के जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। PDF मैं आप लोग को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, बिल्कुल। किसी के कोई और डाउट, डाउट नहीं है तो गाइस सेशन को शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी क्लास अटेंड करने के लिए बोलिए। ये मेरी गारंटी है कि उनको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको बस मेरे साथ ढंग से रिवीजन करना है, ओके। चलो तो इसी साथ सेशन को यहीं रैप अप करते हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एट 6 PM, तब तक के लिए जय हिंद गाइस। मैं मंथली रिवीजन भी कराऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी, मैं मंथली रिवीजन भी कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी क्योंकि एग्जाम्स 25th को हैं काफ़ी सारे बच्चों के, तो इसलिए